बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। बहुत सारे विद्यार्थी इस गल नूं लैके मानसिक दबाव च आ जाते हैं कि उन्हां दी रिफ्यूजल आ गई। बहुत सारे विद्यार्थी ने जिन्हां दी एक बार रिफ्यूजल आउंदी, कईआं दी दो वार, तीन वार, चार वार, पांच, छे, सत्त वार रिफ्यूजल। हुण एक कॉमन जी धारणा बनी हुई है, या ये कहो कि धारणा बना दित्ती गई कि अगर बार बार रिफ्यूजल आउंदी है तां विद्यार्थी दा उहदे च नुकसान है। कि बार बार रिफ्यूजल आने वाले विद्यार्थी नूं अगर फाइनली वीज़ा मिल जाता है कि वह पुरानिया रिफ्यूजल्स दे करके उहदे करियर च, उहदी पढ़ाई च, उहदे पीआर च की किसी तरह की रुकावट खड़ी हुंदी है, मतलब कि रिफ्यूजल आने का की किसी विद्यार्थी दे समाजिक या प्रोफेसनल जीवन दे उत्ते कोई नुकसान हुंदा है या नहीं हुंदा, इस सवाल के उत्ते अज असीं गल करांगे। जसमीत भाटिया जी साडे नाल मौजूद ने, जिहड़े कि लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ ने। बहुत विद्यार्थी ने रिफ्यूजल आने तो बाद कई कई दिन रोटी नहीं खाते, डिप्रैस रहिंदे ने, अजिहा कुछ नहीं करना, की करना जसमीत जी सानू दसणगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जसमीत जी। हुण मैं ये जानना चाहुंदा कि मल्टीपल रिफ्यूजल वाले विद्यार्थी कई तरह के मानसिक तनाव च रहिंदे ने, मैं चाहूँगा कि पूरी बरीकी नाल समझाओ कि रिफ्यूजल्स का किस रूप च नुकसान नहीं है। सो देखो स्टूडेंट्स, कई बार असी फाइल लॉज करते हैं और तुहानू रिफ्यूजल आ जाती है, एंड उहदे पिछे रीज़न ये भी हो सकता है कि एम्बैसी ने फाइल असैस नहीं ठीक तरह की, ड्यू टू देयर इज सो मच रश इन द एम्बैसी। उहदा रीज़न मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, तुहाडे फॉर्म सही नहीं भरे सी, कितने कितने तुहाडे फॉर्म च मिसटेक से, डॉक्यूमेंट सही नहीं लगे, सही स्कैन नहीं हुए, सही तरह एम्बैसी च नहीं पहुँचे, कोर्स कॉलेज नहीं सही से, या वैसे ही प्रोफाइल देख के कन्विंस नहीं होया। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजनस, बट जिमें कि तला जी ने कहा कि मल्टीपल रिफ्यूजल्स आने तो बाद भी वीज़ा मिल सकता, पहली गल तो हाँ जी मिल सकता, सत्त अठ रिफ्यूजल आने तो बाद भी वीज़ा मिल सकता। दूजी चीज़ कि सपोज़ थोड़ी रिफ्यूजल आ जाती है, यू गो इन टू स्ट्रैसफुल सिचुएशन, डोंट डू दैट, यू डोंट नीड टू गो इन टू स्ट्रैसफुल सिचुएशन, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन रीअप्लाई एंड गैट अ वीज़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स है विच हू रीअप्लाई एंड दे गैट अ वीज़ा एंड दे आर रियली रियली डूइंग वैल आफ्टर गोइंग टू कैनेडा। एंड फिर तला जी मैंने कई बार बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि जोड़ा मैं मेरे जहन च आ रहा है कि स्टूडेंट्स जोड़े कैनेडा पहुँचते हैं रिफ्यूजल लैके, वीज़ा रिफ्यूजल तो बाद वीज़ा लैके, कि उन्होंने कोई फ्यूचर से प्रॉब्लम आती है। सो मैं कहना चाहवागा 1% भी कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट न फेस नहीं होंगी है जिन्होंने रिफ्यूजल तो बाद वीज़े मिलते हैं। सो जी पर यह धारणा जी बन गई कि जो बहुत सारे रिफ्यूजल आ जाते हैं तो विद्यार्थी को यह लगता है, कई कंसल्टेंट मैं देखे वो विद्यार्थियों को डराते भी है कि थोड़ी इन्नी वारी रिफ्यूजल आ गई जी, कल तुहानू पीआर च दिक्कत आ सकती है, ये धारणा जी है ये ते? बिल्कुल इदा की कोई धारणा नहीं हैगी। वी हैव नॉट सीन अ सिंगल केस कि जेडे स्टूडेंट नूं कोई प्रॉब्लम आई होगी आफ्टर रिफ्यूजल तो बाद स्टूडेंट नूं कोई प्रॉब्लम उत्थे जाके आई होगी, ना ही पीआर च आएगी, ना ही उन्हों फ्यूचर विच कोई भी स्टडी परमिट लैन च आएगी। सो वी पुट अप आवर एप्लीकेशन एंड कैनेडा च कोई भी इदा का लॉ नहीं है कि यू कैन नॉट रीअप्लाई, और जो तुम रीअप्लाई करते हो तो वीज़ा नहीं मिलेगा। बट एक छोटी जी मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स नूं, कई बार स्टूडेंट्स जो रीअप्लाई करते हैं डोंट मेक एनी चेंज इन देयर फाइल, ईवन आई हैव मैट सो मैनी स्टूडेंट्स दैट डू नॉट ईवन मेक चेंज इन देयर SOP। सो कंसल्टेंट सेज़ कि गलती नाल रिफ्यूज़ हो गया, इदा ही रीलॉज कर दो। वॉट्स द फन इन रीफाइलिंग विदाउट मेकिंग एनी चेंजिज, विदाउट एडिंग सम डॉक्यूमेंट्स, विदाउट डूइंग चेंजिज इन द SOP, विदाउट ईवन चेंजिंग योर कॉलेज, बिकॉज वैन यू हैव गॉट योर रिफ्यूजल एंड योर कॉलेज इन कोर्स इज नॉट मैचिंग, दैन यू हैव टू चेंज योर कॉलेज इन कोर्स। But even if you are reapplying, then you have to make major changes in your SOP, statement of purpose. You have to put additional financial documents with your application so that your visa can be approved. So meri students nu ehi request hai ki whenever you are refiling, do it properly so that do wari refuse hon to baad bachcha kal vi ho bachcha milya 7 band se do wari refuse ho gaya एंड बड़ा स्ट्रैसफुल सिचुएशन हो गई, बट उन्होंने सैकेंड टाइम कोई भी अपनी फाइल से चेंज नहीं किया। सो प्लीज़ डू सम चेंजेस व्हेन यू आर रीफाइलिंग, और यू कैन गेट इन टच विद अस एंड वी विल गाइड यू हाउ टू रीफाइल योर फाइल। बिल्कुल ठीक है। सो फाइल रीफाइल करनी है जी, उहदी भी अपने आप च इंपॉर्टेंस है। जसमीत जी मैं ये भी चाहूँगा, हुण आपां रिफ्यूजल वाला सारा प्रोसैस समझ रहे हैं, कोई विद्यार्थी किन्नी देर तक अपनी फाइल नूं रीट्राई करता रहे,
कई दे पांच पांच छे छे बार रिफ्यूजल हो जाते हैं, उस तो बाद मान लेंगे कि हुण साडा वीज़ा नहीं लग सकता। बहुत सारे लोग कह देंगे ने कि हुण तुसीं कोई होर कंट्री कर लो, सिंगापुर कर लो, साइप्रस कर लो, जर्मनी कर लो। किन्ने क रिफ्यूजल तक जिहड़ा विद्यार्थी है वो रीट्राई कर सकता है? सी देखो, जे तो सही ढंग ना फाइल नहीं लगी फिर तो पांच बारी भी रिफ्यूजल ले लो, भावें वह भी मैं उन्होंने फाइल में जो सही ढंग नहीं लाओगे, प्राइवेट कॉलेज बार बार लाई जाओगे, उन्होंने मैं फाइल लगाना नहीं कहता। सो सही ढंग जो फाइल लगी है तो असं उन्होंने कह सकते हैं कि घट्टो घट इफ एवरीथिंग इज़ ओके, वन मस्ट अपलाई 3 to 4 टाइम्स टू गैट कैनेडा वीज़ा बिकॉज ऑफ द रश, यू हैव टू री अपलाई अगेन एंड अगेन। बिल्कुल ठीक है। सो ये सारिया गलों का तुम ख्याल रखो और किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं पाना चाहिए। जसमीत जी, तुम क्योंकि मैंटोर हो स्टूडेंट्स के, मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट जिहड़े कई कई दिन रोटी नहीं खाते, वो उदास मन करके बह जाते रिफ्यूजल्स तो बाद, वो किवें इस सिचुएशन नूं टैकल कर? सो स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, टेक बी पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कई बार मैं स्टूडेंट मिलता, स्टूडेंट बड़ा नैगेटिव होता, मेरी ऑफर लैटर लेट हो गई, हूँ तो मेरा भविख खराब हो गया, मैनू रिफ्यूजल मिल गई, हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी। सो पहली चीज़ तो आप जो नैगेटिविटी छड़ांगे तो ही आप कुछ कर सकांगे। सो पहली गल तो आप पॉजिटिव होना सीखो। ऑफर लैटर लेट होगी तो की हो गया, कॉलेज सीटा नहीं है, सरकारी कॉलेज है, साडा कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज ऑफर लैटर जल्दी मिलती है, और गवर्नमेंट कॉलेज की ऑफर लैटर डिले इज़ पॉसिबल। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, एंड वैन यू अपलाई टू अ गवर्नमेंट कॉलेज दैन यू मस्ट अपलाई टू 2-3 गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट जस्ट वन, कि तुम 2-3 कॉलेज अपलाई करो, जितों भी ऑफर लैटर आती है पे योर ट्यूशन फीस। सो कई बार स्टूडेंट में मिलता बड़े ही नैगेटिव होंगे, और जो आप नैगेटिव अप्रोच रखांगे तो आप अगे किवें बदांगे। सो स्टूडेंट्स, जो रिफ्यूजल आ गई, नैगेटिव नहीं होना, ऑफर लैटर डिले हो गया, नैगेटिव नहीं होना। इफ यू हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर वीज़ा प्रोसेस, दैन ऑल्सो डोंट गैट नैगेटिव, बी पॉजिटिव, दैन ओनली यू कैन गैट योर वीज़ा अप्रूवल। सो आई फील दैट बींग पॉजिटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह है जी इस वक्त सानू जसमीत जी ने दी है, और मैं लगता है विद्यार्थी जरूर इस सलाह का फायदा उठाएंगे, किसी तरह का मानसिक दबाव पाने की जरूरत नहीं है, और तुसी निश्चिंत हो के जसमीत जी दियां गाइडलाइनस नू फॉलो करो। 9413-9412 जसमीत जी नू मिलो, परसनली टाइम लो, अपॉइंटमेंट लो, कोई कन्फ्यूजन है दूर करो, प्रोफाइल अपनी शेयर करो जसमीत जी की टीम के नाल, और जसमीत जी नू ईमेल info@landmarkimmigration.com ते करो। थैंक यू सो मच जसमीत जी, धन्यवाद।